और दिवाली के बारे में तरह तरह की कई शंकाएं भी हैं हमारे जैन धर्म वाले बीच में, कि हमें लक्ष्मी की पूजन करनी चाहिए, तुलसी की करनी चाहिए, धनतेरस का क्या महत्व है। इस बारे में गठजोड़ मीडिया, इसका एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क भी है, चाहता है कि हम आपका उद्बोधन जनजन में पहुँचाएँ, और साथ ही जो पटाखों की विषमता है जिससे करोड़ों जीवों की हिंसा होती है, उसको भी जैन परिप्रेक्ष्य में कि हमें किस तरह के पटाखे अगर चलाने आवश्यक है तो चलाने चाहिए, और जहाँ तक है नहीं चलाने चाहिए, इस बारे में हम चाहते हैं आपसे, हमारा विनम्र आग्रह है कि आप अपना उद्बोधन जैन धर्मावलंबियों को प्रदान करें, जो हम हमारे सोशल नेटवर्क के द्वारा आम जन तक पहुँचा सकें। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। देखिए, जैन आगम में धनतेरस है ही नहीं, जैन आगम में धन्यतेरस है। भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, इसी तेरस धन हुई। धन को जैन धर्म में स्थान दिया ही नहीं गया। धन्यता जहाँ पर आ जाती है, धन तो उसके पीछे पीछे अपने आप हो जाता है। उसके पश्चात रूप चौदस, भगवान अपने स्वरूप में आने के पहले अपने रूप में स्थित हो गए, इसी रूप चौदस हुई। पश्चात दीपावली, दीपावली का मतलब ये नहीं लक्ष्मी की पूजा, दिवाली के दिन प्रातः काल भगवान महावीर की पूजन बताई, भगवान लाडू चढ़ाने को बताया, संध्या काल में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए केवल ज्ञान की खुशी में गौतम स्वामी की पूजन करके दिए जलाए, श्री नदीपोत्सव उसको नाम प्रदान किया है। जैन धर्म लक्ष्मी की कभी उपासना नहीं करता, लक्ष्मी की उपासना करने वाला कभी धन्य नहीं हो पाया। भगवान महावीर का ये सिद्धांत यही कहता है, जो धन के पीछे भागे वो पाताल जाते हैं, और जो धन को छोड़ जाते हैं वो परलोक सुधर जाते हैं, अतः उनके जीवन में धन्यता का कमल खिल जाता है। तो हमारा जैन आगम इसी तरह से बनाने का है कि हम श्याम के सुबह महावीर का दिमाग लाडू चढ़ाएं, संध्या काल में गौतम स्वामी का पूजन कब करें, सूर्यास्त के पहले पहले। जैन आगम में सूर्यास्त के पहले क्रिया कही है, अगर सूर्यास्त के बाद क्रिया कही जाए तो वैष्णव प्रक्रिया है, जैन क्रिया है ही नहीं। और पटाखे फोड़ने का तो कोई काम हमारे जैन आगम में है ही नहीं है बंधुओं, पटाखा फोड़ना ही सबसे बड़ी हिंसा है, और जो हिंसा की धरती पर आनंद के फूल खिलाना चाहता है वो तो बिना बरसात के कमलों को खिलाना चाहता है। तो भगवान महावीर का ये सिद्धांत है, इसी तरह से हम रूप चौदस मनाएं, आदि कार्यक्रम दिवाली मनाएं, तब हमारा दीपोत्सव मनाना, वैष्णव नमन करना सफल और सार्थक होगा। इस वर्ष आप दिवाली इस तरीके से